तो हेलो फ्रेंड्स, कॉल ऑफ ड्यूटी ने अपनी न्यू गेम की अनाउंसमेंट कर दी है। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक पे हमें बात करने वाला हूँ। बट उससे पहले वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल, जय गेमिंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लगा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल का ये ट्रेलर, वो कमेंट में प्लीज़ बता देना। तो अब आगे हम इस गेम के बारे में बात करें तो ये गेम अभी तो फिलहाल अल्फा स्टेज पे है और उसका प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है 15 तारीख को ही। और मैंने भी प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप भी प्लीज़, आपको अच्छा लगा हो तो प्री रजिस्ट्रेशन कर लेना। बहुत ही बढ़िया गेम है और कॉल ऑफ ड्यूटी का तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो मैं भी पहले बहुत खेलता था कंप्यूटर वाली, बट अभी मोबाइल में आ गई है तो देखते हैं कैसी होती है। और इसमें फीचर्स की बात करें तो कई नए फीचर्स शामिल हुए हैं इसमें। तो प्लेयर की लॉबी की बात करें तो इसमें पूरे 120 प्लेयर्स होंगे और ये सिर्फ रियल प्लेयर्स होंगे, बॉट तो कोई नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया है, आप सभी को ये कैसा लगा वो बताना। और ये फ़िलहाल तो 200 लोगों को खेलने के लिए मिला, पहले जो उसकी इवेंट रखी थी उसमें वो शो किया गया कि गेम के फिजिक्स कैसे है वो सब दिखाया गया और उसका जो एनवायरनमेंट वो दिखाया। और ये गेम हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, उससे पहले बीटा वर्जन अब आ जाता है तो मैं गेम प्ले लेके आ जाऊंगा। चलिए अब अंडरवर्ल्ड गैंग्स वॉर के बारे में बात कर लेते हैं। और मैंने UGW का भी प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप भी अगर अच्छा लगे तो कर लेना। वो अपनी इंडियन गेम है, देखते हैं वो कैसी होती है, बहुत ही बढ़िया होगी। तो ये मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।